एलन मस्क एक ऐसा नाम जिसे हर कोई नए नए रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन के लिए जानता है। दोस्तों एलन मस्क की टेस्ला कार और स्पेस एक्स ने वैसे भी सबको काफी ज्यादा हैरान करके रख दिया था, क्योंकि आखिर कैसे कोई कार ऑटो पायलट पर इस दौर में चल सकती है और भला कैसे कोई रॉकेट को टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि एलन मस्क अपनी शानदार टेस्ला कार के बाद टेस्ला मोबाइल को काफी जल्द लॉन्च करने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि ये फोन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर कैसा होगा टेस्ला का ये फोन, और आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों टेस्ला फोन को नाम दिया गया है पाई फोन, और क्लेम तो ये किया जा रहा है कि टेस्ला फोन एक ऐसा फोन होगा जिसके बारे में ना ही किसी ने सोचा होगा और ना ही किसी ने ऐसे फोन को बनाने की कोशिश की होगी। पाई फोन एलन मस्क का रिसेंट प्रोजेक्ट है। कहा तो ये जा रहा है कि इस फोन में ऐसे कई फीचर्स होंगे कि कोई भी हैरान हो सकता है, और ये फोन काफी फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। एलन मस्क के सारे इन्वेंशन काफी एडवांस होते हैं, और ये तो हम सबको पता ही है कि एलन मस्क को ऐसे ही फ्यूचर मैन नहीं कहा जाता। एलन मस्क के आइडियाज को तो हम सब टेस्ला कार्स में देख चुके हैं, अब बाकी इस फोन में देखने का इंतजार है। कहा यह जा रहा है कि पाई फोन दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट फोन होगा जो कि स्टारलिंक से कनेक्टेड होगा। दोस्तों स्टारलिंक एलन मस्क का एक ऐसा आइडिया है जिसके थ्रू एलन मस्क धरती के चारों तरफ सैटेलाइट की एक चेन डेवलप करवा रहे हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी। इसके बाद चाहे आप माउंट एवरेस्ट पर हों, या किसी अंडरग्राउंड टनल में, या फिर किसी स्मार्ट सिटी में, या फिर जंगलों के बीच बसे किसी वीरान गांव में, आपको हर जगह सेम इंटरनेट स्पीड मिलेगी, और ये पाई फोन रहेगा सीधा स्टारलिंक इंटरनेट से कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि स्टारलिंक कनेक्टिविटी की मदद से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी। स्टारलिंक कनेक्टिविटी की जबरदस्त स्पीड आपको एक अलग ही यूजर एक्सपीरियंस फील करवाएगी। दोस्तों आपको साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि स्टारलिंक और गूगल वर्ल्ड दुनिया की दो सबसे बेहतरीन कंपनियों की कोलैबोरेशन होने की भी बात चल रही है, और अगर दोस्तों स्टारलिंक और गूगल का कोलैबोरेशन सक्सेसफुल हो गया तो ये फोन आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता था। स्टारलिंक की वजह से काफी सारे फायदे होंगे, क्योंकि स्टारलिंक की वजह से किसी कंपनी को नेटवर्क टॉवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से हार्मफुल मोबाइल रेडिएशन से ना ही किसी पक्षी को नुकसान होगा और ना ही हम इंसानों को। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस फोन में क्रिप्टो माइन भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये फीचर इस वजह से वायरल हो रहा है क्योंकि एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा था कि काश उनके पास कोई ऐसा फोन होता जिसकी वजह से इसकी मदद से वह क्रिप्टो माइनिंग कर सकते। तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो एलन मस्क का पहला फोन ही बड़ी से बड़ी कंपनियों को धूल चटा देगा। बहरहाल ये फीचर तो हमें फोन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर रिसोर्सेज की माने तो इस फोन में न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी होने की संभावना है। दोस्तों न्यूरालिंक एलन मस्क के द्वारा डिजाइन की गई नई टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपने फोन को अपनी वॉइस की कमांड पर कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई पैरालाइज पर्सन भी इस फोन को अपनी ब्रेन एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल कर सकेगा। सोच कर देखिए दोस्तों कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है। क्या किसी ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि वो एक फोन को ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर सकेगा? अगर ऐसा हो गया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी की मदद से हम ब्रेन मशीन इंटरफेस स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, यानी कि जो हमारे ब्रेन को मशीन से कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी है उसे हम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। दोस्तों एलन मस्क ने इस टेक्नोलॉजी को पिक्स के ऊपर ट्राई किया और उन्होंने पिक्स से वो सारे काम कराए जो वो चाहते थे, यानी कि एलन मस्क अपने इस टेस्ट में या फिर ये कहे अपनी टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल हो गए। और यही फीचर अब इस पाई फोन में भी आने वाला है, और इस न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी तरह से फोन आने के बाद ही और पता चल सकेगा कि ये क्या क्या कर सकती है या इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्ला की कार होगी तो आप इस फोन की मदद से उस टेस्ला कार को भी बड़ी ही आसानी के साथ कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे तो टेस्ला कार्स में इनबिल्ट ऑटोमेटिक पायलट फीचर अवेलेबल है, लेकिन सोच कर देखिए दोस्तों इस फोन के साथ जब टेस्ला कार कनेक्ट होगी तो उसमें क्या क्या फीचर्स और ऐड कर दिए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आज के टाइम पर एंड्रॉइड का लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 है, वहीं दूसरी तरफ एप्पल का लेटेस्ट प्रोसेसर A15 बायोनिक है। लेकिन दोस्तों पाई फोन का प्रोसेसर एलन मस्क ने खुद डिजाइन किया है। रिसोर्सेज का मानना है कि एलन मस्क के इस प्रोसेसर के आगे एंड्रॉइड और एप्पल के प्रोसेसर कुछ भी नहीं है। दोस्तों इस फोन में 6.9 इंच की अल्फा डिस्प्ले दी जाएगी जो कि 8K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा, जिसमें आप हाई क्वालिटी वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे। इस फोन में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा
जिसमें मेन कैमरा 188 मेगापिक्सल का होगा। 50 मेगापिक्सल के दो कैमरे के साथ में 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस होगा और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। अगर ये कैमरा सेटअप मिलता है तो आपकी फोटोज में चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों, एक फोन की लुक उसके कलर पर भी डिपेंड करती है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस फोन का कोई कलर नहीं होगा। घबराएं नहीं दोस्तों, इस फोन का कलर आप अपनी पसंद से चेंज कर सकेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फोन के बैक पैनल में छोटे छोटे सोलर पैनल लगे होंगे जिसकी मदद से इस फोन को आप धूप में बिना इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज कर पाएंगे। इस फोन में 2 TB तक की इंटरनल स्टोरेज होगी और गूगल के कोलैबोरेशन के बाद गूगल क्लाउड में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगी। और दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इस फोन की कीमत $800 से लेकर $1200 तक की रेंज में रहेगी और वहीं आईफोन के लेटेस्ट मॉडल की कीमत $1399 के दरमियान तक रहती है। यानी कि सीधा सीधा ये फोन एप्पल आईफोन से कॉम्पिटिशन करेगा। दोस्तों, आपको इसके पीछे का रीजन भी बता दें, दरअसल कुछ समय पहले जब एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी के शेयर की प्राइस कंटिन्यू डाउन होते जा रहे थे तब एलोन मस्क ने एप्पल कंपनी से मदद मांगी थी, लेकिन एप्पल कंपनी ने मदद की तो दूर की बात है, एक मीटिंग भी नहीं की। और अगर इस आईफोन ने आईफोन को टक्कर दे दी तो आईफोन के शेयर प्राइस डाउन होने में भी टाइम नहीं लगेगा। कहते हैं ना दोस्तों, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आप नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों, अगर पाई फोन इन कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और इस प्राइस रेंज में भी आता है तो आप कौन सा फोन लेना प्रेफर करेंगे, आईफोन या पाई फोन। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।